नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पुखराया कस्बे में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए रैली निकाली। रैली पुखराया तहसील पहुंचकर भोगनीपुर एसडीएम द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए प्रदेश के योगी सरकार की नीतियों तथा किसानों की समस्या, महिलाओं के साथ प्रदेश में हो रही घटनाओं के संबंध में, वहीं ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा की गई हेराफेरी के संबंध में ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही रैली का संचालन अरुण यादव उर्फ बबलू, राजापुर जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष कासिफ खान तथा सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी का शीर्षक था योगी बाबा डरता है, पुलिस को आके करता है, जो काफी लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। रैली का संचालन कर रहे अरुण यादव उर्फ बबलू राजा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर समाज के सभी वर्गों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का नाम करें और वर्तमान में प्रदेश में तैनात निकम्मी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। रैली के दौरान कई थानों की फोर्स मौजूद रही। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम, परिचय और आज यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जानकारी मिल रही कि सरकार के खिलाफ आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है अधिकारियों को, क्या पूरा मामला है, क्या उद्देश्य? अरुण यादव बोलूँ, समाजवादी पार्टी भोगनीपुर। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी के निर्देश पर हम लोग आज तहसील मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेतागण, वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेईमानी, घोर बेईमानी की गई, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन ज्ञापन देकर महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश दिया गया उसके तहत हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सर, 2022 विधानसभा चुनाव लेकर आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनमें और माननीय अखिलेश यादव जी में अंतर समझ चुकी जनता कि अगर देश प्रदेश का विकास हो सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी द्वारा हो सकता है। चाहे युवाओं को रोजगार हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी मामला हो, ये सरकार पूरी तरह विफल है और सब पूरी जनता जान चुकी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के लोगों पर विश्वास है, वो उन्हीं से उत्तर प्रदेश का भविष्य संभव है, नौजवानों का भविष्य उन्हीं से संभव है।